आप सभी लोगों का स्वागत है जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग एमएस पावर पॉइंट का इंसर्ट मेनू के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करना है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का जो शॉर्टकट तरीका होता है बहुत ईजी होता है। विंडो बटन प्लस आर ओपन करेंगे, रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको पावर पीएनटी टाइप कर कर इंटर या ओके करिए और आपके स्क्रीन के सामने पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है हमारे सामने, यह पावर पॉइंट का स्क्रीन है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पिछली वीडियो के बारे में। देखिए हमने पिछले में पावर पॉइंट में आपके ऑफिस बटन के बारे में बता दिया है, उसके बाद होम मेनू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आज इंसर्ट मेनू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में क्या होता है, तो जैसे कि आपको सभी लोग को पता ही है, मैंने पिछले वर्ड एक्सेल कंप्लीट कर चुका हूँ, वर्ड पैड में भी कंप्लीट कर चुका हूँ। इंसर्ट मेनू क्या होता है, इंसर्ट का मीनिंग होता है कि इंसर्ट कराना, यानी कि समाहित कराना, यानी कि कोई भी आप अपने वर्किंग एरिया पे यानी पेज पर आप कोई बाहरी एलिमेंट को आप इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए वो कैसे होगा, जैसा कि आपको एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से एक बार और बता दूँ, ये हमारा जो होता है वर्किंग एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे हैं ये हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो अभी हम लोग कमांड सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशन तो हमने नहीं बनाया अभी, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाकर सीखेंगे कैसे पूरा प्रेजेंटेशन एक एक डिजिटली एक प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट मेनू में हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। देखिए यह टेबल होता है, यह इलुस्ट्रेशन होता है, यह लिंक होता है, फिर ये टेक्स्ट और मीडिया क्लिप। टेबल में आपका देखिए टेबल बनाना होता है, तो जैसे कि आप सभी लोग को पता ही है टेबल क्या होता है, टेबल एक सारणी होती है, उस सारणी को बनाना होता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप टेबल बना सकते हैं। देखिए तो हमारे ऑलरेडी जो होता है कि जो डिफॉल्ट रूप से हमारा पेज टाइटल और सब टाइटल के रूप में आता है, तो अगर इसको आपको यूजेस है तो रखिए, अगर यूजेस नहीं है तो मत रखिए। तो मुझे देखिए इसको ब्लैंक की ज़रूरत है, तो मैं इसको पूरा ब्लैंक करूँगा, मुझे ये टाइटल और सब टाइटल की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए होम पर आएंगे और यहाँ पे लेआउट पे आएंगे। लेआउट पे आने के बाद ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, हमारा देखिए यह जो एरिया है वर्किंग एरिया यानी प्रेजेंटेशन एरिया जो है, ठीक है, यह हमारा ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर इंसर्ट में आने के बाद टेबल पे आते हैं। टेबल में देखिए तीन कमांड हैं, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। तो इस आपका जो है यहाँ पे आपका तीन कमांड के अलावा कुछ आपका बने हुए पहले से डिफॉल्ट टेबल बने हुए हैं, यानी इस तरीके से अगर कोई टेबल आपको लेना है तो टेबल आप ले सकते हैं, यानी केवल आप अपने आवश्यकता के अनुसार जितना आप माउस को ड्रॉ करेंगे उतना ही टेबल आपके ऑटोमेटिक आपके वर्किंग एरिया पे बनता हुआ शो करेगा। देखिए जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही वर्किंग एरिया पे टेबल ड्रॉ हो रहा है। तो मैं देखिए यहाँ पे बस मुझे इतनी की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक टेबल बना लिया। अब ये देखिए सारे कई कॉलम में टेबल बन चुके हैं। इसकी डिजाइन अगर करना चाहते हैं तो आप डिजाइन कर सकते हैं, लेआउट में जाकर यहाँ पे कलर और सारे डिजाइन ले सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक एक डिजाइन का आपका टैब ओपन हो जाता है, आप ऐसे डिफॉल्ट रूप से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिक आपका बाय डिफॉल्ट रूप से देखिए हमारे पास बन गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के, तो इंसर्ट में आते हैं, टेबल में आते हैं और आपका जो है इंसर्ट टेबल पे। तो इंसर्ट टेबल में क्या होगा कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट रूप से, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि तो सबसे पहले हम लोग देखिए एक नया एक और प्रेजेंटेशन लेते हैं, स्लाइड लेते हैं। देखिए न्यू पे आते हैं, एक हमारा ब्लैंक स्लाइड फिर तैयार है। अब यहाँ से हम लोग इंसर्ट कराते हैं, तो इंसर्ट पे क्लिक करते ही कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, डिफॉल्ट 5 है, नंबर ऑफ रो 2 है। तो हमें यहाँ पे अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉलम 10 और रो में चाहिए मुझे 5, तो मैं अपने आवश्यकता के अनुसार मैंने यहाँ पे रो और कॉलम सेट कर दिया। और जैसे ही मैं ओके करूँगा हमारे वर्किंग एरिया यानी प्रेजेंटेशन एरिया पे हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा,
देखिए ये हमारे कॉलम में आ गया और ये हमारे रो में इस तरीके से आ गया। तो आप इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक स्लाइड लेते हैं हम लोग, अब इंसर्ट में आते हैं, अब नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब देखिए यहाँ पे है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है कि खींचना, यानी कि आप अपने डिफॉल्ट रूप से माउस से टेबल को ड्रॉ कर करके कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया तो एक आपका माउस का जो कर्सर है वह चेंज हो चुका एक पेन के रूप में। अब यहाँ माउस को लेफ्ट बटन दबाकर ड्रॉ करिए जितना चाहिए उस तरीके से, इस तरीके से जितना छोटा बड़ा टेबल बनाना है उस तरीके टेबल बना लीजिए। देखिए हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। और भी टेबल अगर बनाने हैं तो फिर ड्रॉ पे क्लिक करिए और एक और टेबल बना लीजिए। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए मैं एक और नया स्लाइड ले लिया, इंसर्ट पे आते हैं और यह देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि आप पावर पॉइंट में रहकर एक्सेल के वर्कशीट को आप ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के सामने एक्सेल की स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल की जो फाइल होती है वह ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये आपकी एक्सेल की फाइल ओपन हो गई। आपका इसे छोटा बड़ा कर लीजिए और देखिए आप जो भी इसमें लिखना है टाइप करना है आप इस तरीके से लिख कर टाइप कर सकते हैं और क्लोज करना है। जैसे ही क्लोज करेंगे आपका देखिए इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आपकी एक्सेल की जो सीटें हैं वह क्रिएट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इलुस्ट्रेशन में। इलुस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप कोई भी इलुस्ट्रेशन इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पिक्चर, पिक्चर में क्या है आप अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी पिक्चर रखे होंगे उस पिक्चर को आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं जैसे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, अब हमें लोकेशन कह रहा है कि भाई लोकेशन आप चूज कर लीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे डेस्कटॉप पे डाउनलोड पे कहाँ पे आपने रखा हुआ इमेज। तो जैसे देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पे एक इमेज है, अब यहाँ पे इसको मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया अब इंसर्ट पे क्लिक करते देखिए हमारे पास एक पिक्चर आ गया। दूसरी स्लाइड पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और आपका जहाँ पे भी कोई डॉक्यूमेंट हुआ, जैसे मैं एक पिक्चर की बात करता हूँ पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा एक पासपोर्ट साइज का फोटो आ गया, इसको इंसर्ट करते हैं इस तरीके। देखिए यानी कि आने का मतलब हमारे स्लाइड पे देखिए एक पिक्चर आ चुका। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, पिक्चर आपको जैसा ज़रूरत है उस तरीके से इंसर्ट करा लीजिए और पिक्चर पे क्लिक करिए और इस कॉर्नर पे देखिए कुछ डॉट बने हुए हैं और इस डॉट पे आपका एरो बन जाएगा, इसको ड्रॉ करके छोटा बड़ा आप इमेज को कर सकते हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार जितना छोटा बड़ा इमेज को रखना है उस तरीके से सेट करके आप सेट कर सकते हैं जहाँ पर भी रखना है। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मली बड़े अच्छे से डिजाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिप आर्ट की। तो क्लिप आर्ट में जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कंप्यूटर के कुछ पहले से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही कुछ ऐसे इमेज ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप अपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते टाइम वहां पे यूज कर सके। तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आप गो कर दीजिए। गो करते ही आपके स्क्रीन के सामने देखिए कई सारे आपके इमेज आ चुके हैं। अब इस इमेज में कोई भी आपको अच्छा लगता है क्लिक करिए, देखिए एक बार क्लिक करते ही आ गया। ये बस का लेना है तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट इंसर्ट में आते हैं फोटो एल्बम। फोटो एल्बम में देखिए क्या होता है कि आप अपने फोटो को क्या कर सकते हैं, ये फोटो बनाने का एक एल्बम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फोटो हैं जिसको आपको बार बार यूज करना है, तो बार बार यूज करने के लिए बार बार इंसर्ट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए एक एल्बम बना लीजिए। तो एल्बम बनाने के लिए देखिए यहाँ पे फाइल डिस्क पे क्लिक करिए और जो भी इमेज आपको चाहिए उसको क्लिक कर लीजिए और इंसर्ट करा लीजिए। देखिए दो फोटो हमने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। अब इसमें से जो भी हमें यूज करना है, जैसे सपोज इसको हमने यूज करना है तो अब क्रिएट करेंगे तो देखिए एक हमारे पास इमेज आ गया इस तरीके से। अगर फिर हमें यहाँ पे अगर ज़रूरत है हमें एल्बम की तो एडिट फोटो एल्बम पे करिए, और इसकी ज़रूरत है तो अपडेट पे आएंगे, देखिए ये आपका अपडेट पे इसका भी आ गया। तो इस तरीके से आप काम इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं शेप की।
शेप में क्या, ऑलरेडी आपको पता ही है शेप में क्या होता है। शेप का मतलब होता है कि आप कोई आकृति बनाना, ठीक है। तो यानी आप आकृति अगर कोई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मैं देखिए एक नया स्लाइड ले लिया, इंसर्ट पे आते हैं। आप शेप में कौन सा शेप बनाना चाहते हैं? देखिए बहुत सारे शेप हैं, इसमें से कोई सारे भी शेप आप, जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, इसको बनाता हूँ। अब इसका कलर चेंज करना है तो इस पर एक बार क्लिक करिए, ऑटोमेटिक आपका एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए शेप स्टाइल में आइए, कलर जो भी लगाना है यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और भी कोई शेप यहाँ पर लेकर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक, चलिए हार्ट ले लेते हैं। हार्ट पे मैंने क्लिक किया, देखिए ड्रॉ कर लीजिए। अब ड्रॉ करने के बाद देखिए हमारे पास एक हार्ट बन गया। इसका भी कलर चेंज करना है तो एक बार क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपका देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेनू जो है ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए सेम स्टाइल में सेम फील में आइए, जो भी कलर आपको लगाना है वो कलर लीजिए, लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सेटिंग है इसमें, क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से टेक्स्ट भी कोई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शेप का कोई इफेक्ट दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे यहाँ पे आकृति, यहाँ पे शेडो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं एक शेप पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट जैसे कि आप सभी लोग को पता है ये भी, क्योंकि ये सब सारे चीज़ें मैंने आपको एक्सेल में, वर्ड में भी सब कुछ क्लियर करा दिया था। स्मार्ट आर्ट में कोई भी स्मार्ट आर्ट लेकर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। नया पेज का मतलब एक नया स्लाइड लेते हैं। अब आते हैं इंसर्ट पे। स्मार्ट आर्ट में कोई भी स्मार्ट आर्ट ले लीजिए। देखिए जैसा ज़्यादा करके स्मार्ट आर्ट में ये लोग यूज करते हैं, आप इसको ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप। इसको ले लीजिए, ओके कर लीजिए, देखिए बन गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे कोई इमेज लगा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि मुझे इमेज पिक्चर पे क्लिक करिए, मैं अपना इमेज लगाता इंसर्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इमेज बन गया। इस पे भी अगर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज लगा लीजिए, चलिए इसको ले लीजिए, देखिए इमेज बन गया। यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि माई प्रोफाइल, उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप लिख दीजिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे भी कोई इमेज लगा लेते हैं, चलिए मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ कोई सा भी एक है, चले आईडी कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए आईडी कार्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी कार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए शेप बना ले। अब इस तरीके से आप कोई भी प्रेजेंटेशन जब दिखाना है, समझाना है, बताना है, तो आप एक अच्छे से प्रेजेंटेशन यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी देखिए बनते हुए जा रहा है, ठीक है। तो हमने इतने सारे प्रेजेंटेशन बना दिया। अब एक और प्रेजेंटेशन के लिए एक स्लाइड ले लेता है हमने। इंसर्ट में आते हैं चार्ट। चार्ट में जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे भी आप चार्ट एक्सेल के साथ काम करेगा। कोई भी एक चार्ट ले लीजिए, इंसर्ट करा के ओके कर लीजिए, देखिए ओके हो गया। अब ये एक्सेल के साथ काम करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट चार्ट, कोई और चार्ट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको मैं ले लेता हूँ, तो अभी अभी डिफरेंट चार्ट के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। वैसे मैं चार्ट के बारे में आपको एक्सेल में बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए चार्ट जो है, मैं यहाँ पे वैसे भी इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है पूरे एक चार्ट बनाना, उसको ग्राफिक। तो हम लोग प्रेजेंटेशन जब बनाएंगे तो वहाँ पे इसको सीखेंगे चार्ट बनाना। अब बात करते हैं लिंक की। तो लिंक जैसे कि क्या है, लिंक में आप कोई भी यहाँ पे लिंक क्रिएट करा सकते हैं। तो देखिए मैंने एक चार्ट बनाया था एक इस पे, तो मैं क्या करता हूँ इसी पिक्चर पे एक लिंक क्रिएट करा देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी लिंक कराने के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप कोई फाइल लिंक करा लीजिए। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी लिंक कराने के लिए, देखिए जैसे कि एक आधार कार्ड है, कोई सा भी आपके पास डॉक्यूमेंट जो हो,
देखिए हमने क्या किया, आधार कार्ड का एक फाइल था, हमने इसको लिंक करा दिया। अब इसको लिंक कराने के लिए करा तो दिया, अब ये देखिए यहाँ पे जैसे कि वर्ड में था कि हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल का बटन दबाते थे और क्या होता था कि वह लिंक ओपन हो जाते थे, लेकिन ये पावर पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए डिफरेंट है तो उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे आप स्लाइड शो करानी है, तो स्लाइड शो कराने के लिए आपके पास देखिए यहाँ पे स्लाइड शो पे आइए, देखिए फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट कीज आप F5 प्रेस कर सकते हैं या व्यू में आपका देखिए यहाँ से स्लाइड शो करा सकते हैं। तभी आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं स्लाइड शो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लाइड शो में आपको देखिए एक क्या होता है, एक शॉर्ट वीडियो होती है, जैसे कि आप कई सारे इमेज को कंबाइन कर देते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, आप पे एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं, तो सेम वही काम करना है यहाँ पे भी। तो आगे हम लोग जब स्लाइड शो बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे समझेंगे। तो मैं यहाँ पे बस आपको यहाँ पे जो हमने फाइल अटैच किया है यानी लिंक किया है उसको हम देखने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, F5 प्रेस करते ही हमारे सामने देखिए यहाँ पे स्लाइड शो होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने जितने आपके स्लाइड बनाया था वो सारे देखिए शो कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब करने का मतलब है कि हमने इसी वाले पे यानी पहले वाले स्लाइड पे हमने क्या लगाया था, हमने एक इमेज यानी कि लिंक कराया था एक आधार कार्ड के। तो अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एक फाइल ओपन होगी, ठीक है। जैसे मैं देखिए लिंक पे क्लिक करते ही देखिए अब आपके सामने कह रहा है कि भाई आप यस करिए, तो यस करते ही देखिए अब हमारे सामने जो हमने एक आधार कार्ड की एक ऑनलाइन का एक सेटअप हमने रखा था और उसी को लिंक कराया था वह अभी ओपन हो जाएगा। तो देखिए अब कह रहा है कि ओके करने के लिए पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू ओपन दिस फाइल, तो ओके करेंगे। ओके करते ही हमारे स्क्रीन के सामने फिर से देखिए ये ओपन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए तो ये हमारे आधार कार्ड का एक ऑनलाइन पोर्टल का एक कोई फॉर्म था जिसको आपने रखा हुआ था और इसी को हमने लिंक कराया था और देखिए ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, लिंक क्रिएट करा सकते हैं, एक स्लाइड पे दूसरी स्लाइड को जोड़ सकते हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम लोग आगे सीखेंगे इसको बड़े इजीली तरीके से जब हम लोग स्लाइड अभी क्योंकि अभी हम लोग सारे कमांड करना सीख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट में, टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आप टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे और जो भी कुछ लिखना है इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो आपको आई होप इसको भी आप टेक्स्ट बॉक्स को भी समझ गए होंगे। अब हेडर और फुटर की बात करते हैं। देखिए हेडर और फुटर जो होता है यहाँ पे एक ही में मर्ज होता है, ठीक है। तो देखिए हेडर और फुटर में आप कुछ भी आप चाहे देखिए फुटर लगा सकते हैं, देखिए फुटर में इस तरीके से आपका लिखेगा, ठीक है। स्लाइड नंबर भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट्स एंड हैंडआउट भी आप कर सकते हैं, तो नोट्स एंड हैंडआउट में देखिए हेडर लगा सकते हैं, फुटर लगा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको हेडर में जैसे मान लीजिए लिख दीजिए, मैंने लिख दिया जीटेक, उसके बाद लिख दिया यहाँ पे फुटर में लिख दिया हमने गोरखपुर, अप कर दिया मैंने अप्लाई टू ऑल कर देंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम भी लाना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम भी कर दीजिए, तो मैंने सभी पे क्लिक कर दिया, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जितने भी हैं सब हमारे यहाँ पे फुटर में बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए पेज नंबर दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका आपका यहाँ पे हेडर और फुटर सब कुछ दिखा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा आर्ट, तो आर्ट के लिए देखिए मैं एक ब्लैंक एरिया लेता हूँ, आर्ट पे क्लिक करते हैं कोई भी एक डिजाइन ले लीजिए, जैसे इसी को ले लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से आपको जो भी लिखना है तो इस तरीके से आप ले लीजिए, लिखिए। देखिए मैंने जैसे लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, इस तरीके डिजाइन में बन गया। और भी कोई आपका यहाँ पे वर्ड आर्ट लेना है जैसे रेड वाला ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए, देखिए ये भी बन गया। यहाँ पे भी आप लिखिए,
जो भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए इंसर्ट में है आप डेट एंड टाइम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेट एंड टाइम के लिए, तो ऑलरेडी आप क्लिक कर दीजिए, ये सब फुटर और सब सारे चीज़ें हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए सब सारे चीज़ें जो भी हैं पहले से हमने, यानी कि हेडर और फुटर डेट एंड टाइम का एक ही आपका होता है कि चीज़ में होता है। यहाँ पर आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं और चाहें तो एक में भी कर सकते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। और देखिए सब कुछ हट गया, हेडर भी हट गया, फुटर भी हट गए, और देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम आपका आ गया इस तरीके से। अब स्लाइड नंबर की बात करते हैं, तो स्लाइड नंबर भी देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आपका जो भी फुटर में रखना तो स्लाइड नंबर में, तो देखिए एक ही में सब काम कर रहा है। स्लाइड में आएंगे, डेट एंड टाइम है उसका, स्लाइड नंबर है, फुटर है, ठीक है। एक काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखिए हटा देता हूँ, स्लाइड नंबर पे करके अप्लाई टू के कर दूंगा। देखिए 5 नंबर स्लाइड आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं काम। अब हम लोग एक नया स्लाइड ले लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे कि आप बताइए आपको कि आप कोई भी दूसरा अदर सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट में है तो पावर पॉइंट में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं पेंट ओपन करना चाहता हूँ तो बिट मैप ओपन कर ओके करता हूँ, देखिए पेंट हमारे स्क्रीन सामने ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी शेप बनाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही डिजाइन तैयार करने बाद कोई कलर फिल करके यहाँ पे क्लोज करेंगे, देखिए वो आ गया हमारे स्क्रीन के सामने, देखिए ये वर्किंग एरिया पे। तो आप इस तरीके से कोई भी डिजाइन भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं मूवी की, मीडिया क्लिप में, तो मूवी यहाँ से कोई भी आपका मूवी फ्रॉम फाइल, यानी जहाँ पे भी अगर कोई वीडियो रखा हुआ है आपने, वो वीडियो आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए मैं कोई एक सिंपल सा एक वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो को आप यहाँ पे ओपन करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं और कोई वीडियो ले लेता हूँ, तो जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग में, चलिए इसी को ले लेता हूँ, टिपल सी एग्जाम वाला ले लेता हूँ, वीडियो यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वीडियो आपका ऑटोमेटिकली आपका देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका जब स्लाइड शो होगा तो वीडियो आपका ऑटोमेटिक चलने लगेगा, ठीक है। तो इसको आप छोटा बड़ा इसका डिस्प्ले आप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से जब स्लाइड शो होगा तब चलेगा। उसके बाद आप इसी तरीके से साउंड इंसर्ट करा सकते हैं, देखिए साउंड फाइल, साउंड क्लिप ऑर्गेनाइजेशन, प्ले सीडी ऑडियो, यानी कि कोई सीडी लगा रखा है, या अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आपने ये सब बेसिक देखे, हमने सारे छोटे छोटे या बड़े जितने भी इसमें बेसिक सारे कमांड थे हमने आपको बता दिया सारे कमांड को, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, तो इन सभी को यूज करना जो बहुत ईजी है, ठीक है। तो आगे हम लोग एक सबको मर्ज सीखेंगे, कैसे यूज करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है, जब हम लोग कोई स्लाइड बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।